नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए जीके डिस्कस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया? रूमी दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मोर, मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं खीरी एवं संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चार राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 8 से मिलती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा। उत्तर प्रदेश का राजकीय राज्य पक्षी सारस है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी यूपी SI हो गया या यूपी पेट हो गया या लोअर PCS होगा, किसी ना किसी एग्जाम में ये यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने बस 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के रूप में जाना जाता है? कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। यूपी पुलिस पे पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। एक बार उत्तर प्रदेश का ये मैप देख लीजिए, ये सहारनपुर है और ये ललितपुर है, ये सोनभद्र है, ये बलिया है और ये कुशीनगर है, ये बलरामपुर सिद्धार्थ नगर पीलीभीत बिजनौर और मथुरा आगरा। उत्तर प्रदेश का ये मैप। उत्तर प्रदेश का क्या भौगोलिक विन्यास? शिवालिक तल हटी और भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का द्वाब। इस तरह से मैप में याद रखेंगे कि ऊपर वाला शिवालिक तलहटी है और फिर नेपाल के बॉर्डर के साथ है भावर एवं तराई का ये रीजन है और गंगा यमुना बीच का, गंगा यमुना का द्वाब है ये बीच वाला, और ये दक्षिण का पठारी प्रदेश, दक्षिण में पड़ता है तो ये पठारी प्रदेश हो गया। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम गौतम बुद्ध नगर बाराबंकी मिर्जापुर सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? सिद्धार्थ नगर संत कबीर नगर अंबेडकर नगर संत रविदास नगर। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 7 है। उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बलिया। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? उड़ीसा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? महोबा।
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है 7.3%। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान।